गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 6 तारीख दिन वीरवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों केशवपुर टमाटर मंडी का आज का हाल जानेंगे, आज क्या कुछ अराइवल है मार्केट में, कितना ताज़ा है, कितना बैलेंस है और किस किस राज्य का इस समय जो है केशवपुर मंडी के अंदर टमाटर आ रहा है और क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये सावन का महीना चल रहा है, देखते हैं आज जो है क्या कुछ माहौल बना है टमाटर के रेटों में। और आप सभी का कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं टमाटर रेट से रिलेटेड। 2500 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
बढ़िया भैया, सुनो। बस बढ़िया सर। सर जी, आज दिल्ली केशवपुर मंडी का टमाटर का रिपोर्ट चाहिए था, तो आज कैसा बाजार रहा सर? किस तरह का माहौल है? कितनी गाड़ी आ रही है मार्केट में? और सावन का शायद दूसरा दिन है, तो क्या कुछ माहौल बन रहा है? मार्केट में 15 से 18 गाड़ी थी और अपना माल बिका है 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक माल बिका। अच्छा, 1500 से लेकर 3000। और टोटल आज अराइवल कितना बताया सर आपने? 15 से 18 गाड़ी हुई है। 15 से 18 गाड़ी सभी के सभी सर किस राज्य के सर? भैया 15 से 18 गाड़ी समय आपकी 3-4 गाड़ी सुंदरनगर की थी, बाकी आपकी हिमाचल साइड है। अच्छा, बैंगलोर भी आ रहा सर इस समय कुछ? नहीं, बैंगलोर कुछ नहीं है अपनी मंडी। अच्छा, बैंगलोर कुछ भी नहीं है। तो सर अभी जो है कुछ प्रभाव पड़ रहा है सावन का अपनी मंडी में, या फिर सेमी बाजार है, या कुछ उतार चढ़ाव हुआ है? भैया बरसात के भीगे हुए माल आ रहे हैं, जो माल सूखे हैं वो तो बढ़िया बिक रहे हैं, जो बरसात के भीगे हुए माल है क्योंकि ऊपर भी बारिश हो रही है ना। जी जी बिल्कुल, वो थोड़ा डाउन बिक रहे हैं, उनकी रिपोर्ट है 1500 से लेके 2000 रुपए तक, और जो सूखे माल है बढ़िया 2000 से 3000। अच्छा जी, हिमाचल वाले। और सर जी वही बात करें सर, जो हाइब्रिड टमाटर सुंदरनगर के आ रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ क्वालिटी देखने को मिला है? किस तरह का क्वालिटी बरसात से? कच्चा पक्का टमाटर आ रहा सुंदरनगर का, क्वालिटी मतलब कोई कोई लाट है, कोई बढ़िया निकल रहा है, नहीं तो बासमती माल हल्का ही आ रहा है वहाँ भी। अच्छा, वो बिक रहा 1500 से लेके 1900-2000 रुपए तक। अच्छा, 1500 से लेकर 1900-2000। तो सर इसमें जो है काने वाने का भी शिकायत आ रहा है, जैसे मतलब पहले जो है बरसात से काने वगैरह का शिकायत आता है? कच्चे की भी शिकायत है, काने की भी शिकायत है, बारिश के भीगे हुए माल भी है। अच्छा, तो सर जी हाइब्रिड टमाटर में जो है आज सबसे नीचे में क्या रेट बिका है? नीचे में भैया 1500 रुपए है मोटा माल, ठीक है। अच्छा, 1500 रुपए बिका नीचे में, ऊपर में बिका है 2400-2400 रुपए हिमाचल। अच्छा जी, और सर जी अगर वही बात करें जो हाइब्रिड टमाटर का गोली वगैरह है, तो इसका क्या बाजार है सर? गोली बिक्री भैया जैसे अगर साफ गोली है कलर में है तो 1100-1200 रुपए बिक्री है, बाकी हल्की गोली है 800-900-1000। अच्छा जी, और सर जी अगर बात करें, अगर फेस्टिवल नहीं होता तो इसका क्या माहौल देखने को मिलता? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो? सर अगर फेस्टिवल नहीं होता तो क्या माहौल देखने को मिलता? अरे बात फेस्टिवल की नहीं है, बारिश हो रही है ना, तो और ग्राहक इस टाइम क्या कहते हैं जितना माल ले रहे थे ना उतना ले नहीं रहे, खपत नहीं है क्योंकि मार्केट में लोगों ने टमाटर लेना ही बंद कर दिया। जी 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 सर, महंगाई को देखते हुए सर इनका भी शायद नहीं बिक रहा होगा रिटेल मार्केट में, क्योंकि इस समय जो रेट चल रहा है अभी फिलहाल तो किसान भाइयों को रेट ठीक मिल रहा है, लेकिन खाने वालों के लिए बहुत ही कॉस्टली हो गया, जो गरीब लोग हैं। लेकिन किसान भाइयों को भी रेट मिलना चाहिए मार्केट में, अगर नहीं मिलेगा तो उनका जो है भरपाई भी नहीं हो पाएगा शायद। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी आम जनता के लिए तो बेकार है भैया। जी जी जी, ये जो महंगाई हुआ है सर, ये महंगाई आपने कितने दिनों में देखा होगा सर? इस तरह का महंगाई और भी बीच बीच में इस बार रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। अच्छा, तो सर ये महंगाई कितने साल में आया होगा सर? इस तरह का महंगाई कितने साल में आया है? ये टमाटर बिका था आपका सन 2013 में बिका था 2000 रुपए तक। अच्छा, 2000 रुपए तक। हाँ, और ये आज आपका 2023 चल रहा है, टमाटर बिक रहा है 3200-3300 रुपए, 3800 रुपए तक भी लाट बिका टमाटर मंडी। अच्छा, तो सर अभी तो जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है या जैसे जैसे साल खत्म होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हर चीज का महंगाई भी आसमान छूता जा रहा है,
भैया जितनी शॉर्टेज होगी उतना रेट बढ़ेगा, क्योंकि टमाटर है नहीं किसी भी इलाके में। बैंगलोर अपनी मंडी आएगा 3,000-3,500 तक हम खुलेंगे नहीं। अच्छा। और बैंगलोर में बात हो रही है, यहाँ तक माल पहुँच नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा माल। जी जी। तो सर अभी जो है सावन के चलते कई मंडी में देखने को मिला है रेट टूटा है, तो क्या अपनी मंडी में भी जो है रेट टूटा है सावन के चलते? बाकी दिनों से अपनी मंडी 200-300 रुपए डाउन थी, लेकिन बढ़िया माल बढ़िया भाव के, हल्के मालों में डाउन देखने को मिला। अच्छा, हल्के मालों में जो है रेट डाउन देखने को मिला। तो सर बैंगलोर का जो माल आने में अभी कितना दिन बाकी है, कब तक मतलब अपने मंडी में अराइवल देखने को मिलेगा बैंगलोर के माल का? अभी कोई चांस नहीं अभी बैंगलोर आने का, क्योंकि बैंगलोर वहीं पर 3,000 रुपए बिक रहा है। अच्छा, पीछे जो है बहुत टॉप सौदे बेचते हैं। अच्छा। 3,000 इस तरह से पूरी गाड़ी नहीं बिक सकती मंडी में। अच्छा, तो सर अभी किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, मतलब जिधर अगर रेट उनको अच्छा मिले तो उधर माल बेचना चाहिए? ये किसान भाइयों को तो हर मंडी में रेट अच्छा ही मिल रहा है इस टाइम। अच्छा, आप औरंगाबाद ले लो, बैंगलोर ले लो, औरंगाबाद भी 2,000 रुपये का बाजार है, बैंगलोर 2,500 से लेकर 3,000 का बाजार है, हिमाचल भी 1,500 से 2,500 का बाजार है। अच्छा, तो सर हिमाचल जो है जो प्रोडक्शन मंडी है उधर भी बाजार फुल टाइट है एकदम से? भैया हर जगह टाइट है। अच्छा जी। और सर जी अभी महाराष्ट्र का अगर बात करें तो महाराष्ट्र में क्या कुछ है सर, टमाटर इस बार कैसा देखने को मिलेगा और कब तक उम्मीद है सर मार्केट में आने का? ये महाराष्ट्र में टमाटर भी बिक रहा है 2,200 रुपये वही बिक रहा है, अभी 15-20 दिन में लगा लो वो चल जाएगा। अच्छा, 15-20 दिन में दिल्ली आना स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, कुछ केस भी चालू हो चुके हैं, वहाँ का रेट खुल रहा है 2,100-2,200 रुपये महाराष्ट्र में बिक रहा है। अच्छा, 2,400-2,500 रुपये पड़ेगा। अच्छा जी। तो सर इस समय जो है जो खरीददार है आप लोगों से खरीदारी कर रहे हैं तो उनका क्या राय है सर इस महंगाई के टाइम में? भैया जो 20 रेट माल खरीदता था वो इस टाइम 5 रेट ले रहा है, 50 रेट वाला 20 रेट ले रहा है, ये हाल होगा। अच्छा, तो सर आपके हिसाब से आप लोग जो है व्यापार करते हुए आ रहे हैं तो क्या भाव रहना चाहिए था जो किसान भाइयों के लिए भी सूटेबल रहता और जो खरीदार है उनके लिए भी ठीक रहता? हाँ जी, भाव रहना चाहिए था आपका 900 से 1,000-1,200 रुपए, हद मार के 1,500 रुपए बस। अच्छा, 900 से 1,100 ठीक है, इसमें आम जनता भी खा सकती है, टमाटर 50-60 रुपए बिकता है। जी जी। क्योंकि किसानों को भी रेट मिल जाता है, उनके भी पैसे मिल जाते हैं, इसमें आम जनता भी परेशान हो रही है। जी, क्योंकि किसानों को तो रेट मिल ही रहते हैं। जी, आम जनता भी परेशान हो रही है, कई लोगों ने टमाटर खाने बंद कर। अच्छा, तो मेन जो अभी कारण बन रहा है सर शॉर्टेज का बन रहा है, मतलब हर एरिया में माल शॉर्टेज है, इसी वजह से जो है इतना टमाटर के रेटों में जंप देखने को मिल रहा है? भैया 2 महीना तो लग रहा है यही तेजी रहेगी, उसके बाद देखते हैं कोई एरिया अगर फिर से चालू हुआ तो थोड़ा। अच्छा। डाउन हो सकता है, नहीं तो तेजी तो वही मार्केट। अच्छा, तो सर इस बार जो है ये जो बेंगलोर का है और या फिर महाराष्ट्र का टमाटर है तो इस बार इतना लेट क्यों है सर, क्या बरसात से पूरा माल उधर का खराब हो चुका है या क्या हुआ सर? वहाँ माल की शॉर्टेज हो गई थी, माल बरसात के कारण खराब हो गया था वहाँ पे, जिस कारण वहाँ पे माल नहीं था। अच्छा जी। शॉर्टेज है माल की तभी वहाँ महंगा बिक रहा है। अच्छा, और इस टाइम तो बैंगलोर मंडी आ जाता था, अभी तक बैंगलोर अपनी मंडी दिल्ली आया नहीं है। जी जी जी। तो कब तक देखने को मिलेगा सर ये भरपूर तरीके से माल? आप लोगों का जो है व्यापारी और किसान भाइयों से बात होता रहता है तो उनके तरफ से मतलब क्या कहा जा रहा है? कम से कम 1 महीने बाद। अच्छा, कम से कम 1 महीना लग जाएगा टाइम भरपूर तरीके से? हिमाचल वाला को फुल रेट मिलेगा, अभी का माल चलेगा। अच्छा, और सर ये सुंदरनगर का जो माल है हाइब्रिड टमाटर में ये कितने दिन चलेगा जी? सुंदरनगर चलेगा आपका 1 महीना और। अच्छा, 1 महीना और खींच जाएगा? हाँ, 1 महीना चल जाएगा, कुछ इलाके एंड हो रहे हैं, कुछ अभी चालू ही है। अच्छा, मतलब आगे थी पीछे थी के हिसाब से मतलब चल रहा है एरिया, इलाके 1 महीना पकड़ जाएगा। अच्छा, तो सर बरसात से भी जो है कुछ क्वालिटी में जो है और रेटों में फर्क आ रहा है सर? भैया बरसात से भीगे हुए सौदे आ रहे हैं, अब माल रुक नहीं रहा, गर्मी ज्यादा है। जी जी। एक दिन बारिश हो रही है तो दूसरे दिन धूप निकल रही है, तो धक्के से टमाटर भी फट रहे हैं। जी जी, चिपचिपाट वाले मौसम बन रहे हैं सर। टमाटर रोक नहीं सकते बरसात से भीगे हुए माल, अगर दिन के दिन रुक जाए तो ठीक है, अगले दिन पानी छोड़ देते हैं, माल चलते ही यार। जी, तो सर अभी अगर बात करें जो अपनी मंडी है केशवपुर मंडी, जितना भी गाड़ी आ रहा है डेली क्लियर हो रहा है या फिर कुछ बैलेंस भी रह जा रहा है इसमें? भैया कल बारिश के कारण 2-3 गाड़ियां बैलेंस रह गई थी। अच्छा, हाँ जी, बाकी तो डेली तक क्लियर ही है। कल बुधवार था, कुछ छुट्टी का कारण लगा लो, कुछ मंडी में कल अराइवल ज्यादा हो गया था, जिस कारण ग्राहक भी नहीं था मंडी में, 2-3 गाड़ी बैलेंस रह गई। ओके सर। सर जी एक बार आप अपना शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। अपनी शॉप नंबर है संजय संजय टोमेटो कंपनी, शॉप नंबर 69, मोबाइल नंबर है 9289004007। ओके, थैंक यू सर।
ओके।